सो फाइनली फ्रेंड्स, दो साल के लंबे गैप के बाद में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र में मूवी थिएटर्स और मल्टीप्लेक्सेस खोलने की इजाज़त दे दी है। ऐसे में बॉलीवुड की जितनी प्रोडक्शन कंपनियां हैं सब ने अपनी अपकमिंग मूवीज़ की रिलीज डेट अनाउंस कर दी है और आज हम आपको अपने इस वीडियो में उन सारी मूवीज़ की डिटेल्स बताने वाले हैं। तो आप बने रहिए हमारे इस वीडियो पे ताकि आपसे कोई भी जानकारी छूट ना जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, बॉलीवुड की रिलीज होने वाली पहली मच अवेटेड मूवी का नाम है सूर्यवंशी। आपको पता ही होगा कि सूर्यवंशी मूवी में अक्षय कुमार, अजय देवगन और रणवीर सिंह एक साथ दिखाई देने वाले हैं और इस मूवी का डायरेक्शन किया है रोहित शेट्टी ने। इवन रोहित शेट्टी ने इस मूवी को प्रोड्यूस भी किया है। आपको बता दें कि इस मूवी में अक्षय कुमार के साथ में कैटरीना कैफ दिखाई देने वाली है। वैसे तो ये कॉप ड्रामा मूवी है लेकिन अक्षय कुमार रणवीर सिंह की कॉमेडी इस मूवी में जरूर देखने मिलेगी। आपको बता दें कि इस मूवी की रिलीज डेट 4 मार्च 2022 अनाउंस की गई है और बहुत ही जल्द ये हमें मल्टीप्लेक्सेस में देखने को मिलेगी। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं ताकि मैं आपको अगली अपकमिंग मूवी की डिटेल्स बता पाऊँ। फ्रेंड्स, वैसे तो साल 2021 और 22 में बॉलीवुड की कई सुपर डुपर हिट मूवी रिलीज होना है लेकिन आपको बता दें कि अक्षय कुमार एक ऐसे स्टार है जो साल में 5 से 6 मूवीज कर लेते हैं। ऐसे में अक्षय कुमार की एक और सुपर हिट मूवी जिससे अक्षय कुमार के फैंस को वेट था वो थी बच्चन पांडे, जो कि अब रिलीजिंग पे है। आज ही बच्चन पांडे मूवी के मेकर्स ने इस मूवी को रिलीज करने की एक डेट अनाउंस कर दी है। आपको बता दें कि बच्चन पांडे मूवी का डायरेक्शन कर रहे हैं फरहाद सामजी और इस मूवी में आपको अक्षय कुमार के साथ में कृति सैनन और जैकलिन फर्नांडिस देखने को मिलेंगी। इस मूवी को प्रोड्यूस किया हुआ है साजिद नाडियावाला ने और ये मूवी 4 मार्च 2022 को मल्टीप्लेक्सेस में हमको देखने को मिलेगी। फ्रेंड्स, आपको मालूम होगा कि कोरोना लॉकडाउन के कारण बॉलीवुड की कई मूवीज की रिलीज डेट पोस्टपोन की गई थी। ऐसे में टाइगर श्रॉफ की भी एक मच अवेटेड मूवी है जिसका नाम है हीरो पंटी 2। ये मूवी भी साल 2021 में रिलीज होने वाली थी लेकिन कोरोना पैंडेमिक के कारण इस मूवी की रिलीज डेट आगे बढ़ा दी थी। अब फाइनली हीरोपंती मूवी के मेकर्स ने इस मूवी को रिलीज करने की एक डेट अनाउंस कर दी है। आपको बता दें कि हीरोपंती 2 मूवी को डायरेक्ट करने वाले हैं अहमद खान। इस मूवी में आपको टाइगर श्रॉफ के साथ में तारा सुतारिया देखने को मिलेंगी। साजिद नाडियावाला ने हीरोपंती मूवी से टाइगर श्रॉफ को बॉलीवुड में लॉन्च किया था और इस मूवी से टाइगर श्रॉफ ने बॉलीवुड में अपनी एक एक्शन स्टार की जगह बना ली थी। इसके बाद में उन्होंने कई बागी 1, बागी 2 और बागी 3 जैसी सुपर डुपर एक्शन मूवीज बॉलीवुड को दी है। ऐसे में हीरोपंती 2 मूवी की रिलीज डेट अनाउंस कर दी गई है। इस मूवी में भी टाइगर श्रॉफ गजब का एक्शन करते हुए दिखाई देंगे और इस मूवी को रिलीज करने की जो डेट अनाउंस की गई है वो है 6 मई 2022। फ्रेंड्स, वीडियो पे बने रहिएगा क्योंकि 2022 में रिलीज होने वाली बाकी की मूवीज की अपडेट भी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। साल 2021 और 22 में बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान की भी एक सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हिट मूवी रिलीज होना है जिसका नाम है लाल सिंह चड्ढा। आपको बता दें कि लाल सिंह चड्ढा भी काफी समय पहले कम्प्लीट हो चुकी है लेकिन थिएटर्स ओपन न होने के कारण फिल्म के मेकर्स ने इस मूवी को भी रोक दिया था। लाल सिंह चड्ढा हॉलीवुड की मूवी फॉरेस्ट जंप की रीमेक है और इसका हिंदी वर्जन डायरेक्ट कर रहे हैं अद्वैत चंदन। इस मूवी में आपको आमिर खान के साथ करीना कपूर भी दिखने को मिलेंगी और इसमें साउथ के सुपरस्टार नागा चैतन्य साथ में होंगे और ये मूवी बहुत ही जल्द हमको थिएटर में देखने को मिलेगी 11 फरवरी 2022 को। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि मिल्खा सिंह के बाद में बॉलीवुड में कई बायोपिक मूवीज बनी जो कि सुपर डुपर हिट हुई है। मैरी कॉम और एमएस धोनी जैसी ब्लॉकबस्टर मूवीज शामिल है। अब ऐसे में डायरेक्टर कबीर खान 83 मूवी को लेकर आ रहे हैं जो कि कपिल देव की बायोपिक पर आधारित है। कपिल देव के ऊपर बनने वाली 83 मूवी में हमको रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोणे दिखाई देंगे। इस मूवी में वैसे तो काफी स्टार कास्ट है जिसमें कुछ पंजाबी एक्टर्स भी शामिल हैं और ये एक बहुत ही शानदार मूवी होने वाली है। इस मूवी को प्रोड्यूस किया है खुद दीपिका पादुकोणे, कबीर खान, साजिद नाडियावाला और मधु मेंटेना ने। आपको बता दें कि ये कपिल देव बायोपिक है और ये मूवी 25 दिसंबर 2021 को बॉलीवुड सिनेमाघरों में देखने को मिलेगी। फिलहाल साल 2021 और 22 में रिलीज होने वाली दूसरी सुपर डुपर हिट मूवी का नाम है मेटे। इस मूवी में आपको अजय देवगन, रकुल प्रीत और अमिताभ बच्चन एक साथ दिखाई देंगे। हाल ही में अजय देवगन की मूवी कच्छ रिलीज हुई थी जो OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई और वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई लेकिन अब थिएटर्स खुल जाने के कारण देखना यह है कि मेटे मूवी किस तरीके का परफॉर्म करती है। फिलहाल मूवी के मेकर्स ने इसकी भी रिलीज डेट अनाउंस कर दी है। अब ये मूवी हमको 29 अप्रैल 2022 को थिएटर्स में देखने को मिलेगी। बॉलीवुड के चॉकलेटी स्टार शाहिद कपूर ने कबीर सिंह मूवी से बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग की एक छाप छोड़ दी है। ऐसे में साल 2021 और 22
साइज में शाहिद कपूर एक और सुपरहिट मूवी अपनी लेकर आने वाले हैं, जिसका नाम है जर्सी। और इस मूवी में शाहिद कपूर एक क्रिकेटर का किरदार निभाने वाले हैं। जर्सी मूवी साउथ मूवी की एक रीमेक है, जिसमें साउथ के सुपरस्टार नानी ने एक्टिंग करी हुई थी और ये वहाँ की सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर मूवी थी। लेकिन अब इसका हिंदी रीमेक बनाया जा रहा है, जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं गौतम किन्नौरी। इस मूवी में आपको शाहिद कपूर के साथ में मृणाल ठाकुर और पंकज कपूर भी देखने को मिलेंगे। आपको बता दें कि इस मूवी के मेकर्स ने भी इस मूवी की रिलीज डेट अनाउंस कर दी है, जो कि है 31 दिसंबर 2021। ये नए साल के मौके पर ही रिलीज हो रही है, एग्जैक्ट नए साल वाले दिन। वैसे तो सत्यमेव जयते 2 मूवी साल 2021 के स्टार्टिंग में ही रिलीज होनी थी, लेकिन कोरोना पेंडेमिक के कारण इस मूवी की भी रिलीज डेट को आगे बढ़ाया गया था। और अब फिल्म के मेकर्स ने इस मूवी को रिलीज करने की एक डेट अनाउंस कर दी है, जो है 26 नवंबर 2021। इस मूवी का डायरेक्ट कर रहे हैं मिलाप जावेरी। इस मूवी में जॉन अब्राहम के साथ आपको देखने मिलेंगी दिव्या खोसला कुमार। इस मूवी को प्रोड्यूस किया है टी सीरीज फिल्म्स और निखिल आडवाणी ने। साल 2022 में रिलीज होने वाली बॉलीवुड की दूसरी सुपर डुपर हिट मूवी का नाम है ब्रह्मास्त्र, जो कि 300 करोड़ रुपए के मेगा बजट से बन रही है। और इस मूवी में रणबीर कपूर के साथ आलिया भट्ट, नागार्जुन अक्किनी, अमिताभ बच्चन, मौनी राय, डिम्पल कपाड़िया, प्रतीक बब्बर जैसे सुपरस्टार दिखने वाले हैं। आपको बता दें कि इस मूवी में बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान का भी एक गेस्ट अपीयरेंस है, जो कि इस मूवी में एक साइंटिस्ट का रोल करने वाले हैं। इस मूवी को रिलीज करने की जो डेट अनाउंस की गई है वो है 4 दिसंबर 2022 के एंड में रिलीज होगी, क्योंकि इस मूवी का पोस्ट प्रोडक्शन अभी चल रहा है और इसकी शूटिंग भी बाकी है, क्योंकि इस मूवी में बहुत सारे VFX और ग्राफिक का काम है। वैसे तो ये मूवी बॉलीवुड की पहली साई फाई मूवी होगी जिसमें एक अलग तरीके का VFX देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, साल 2022 में रिलीज होने वाली इंडियन सिनेमा की सबसे मच अवेटेड मूवी KGF चैप्टर 2 रिलीज होना है। आपको बता दें कि इसके पहले KGF 1 ने वर्ल्ड वाइड अच्छा कलेक्शन किया हुआ था और KGF के फैंस को KGF चैप्टर 2 का बेसब्री से इंतजार है। अब हाल ही में इस मूवी के मेकर्स ने इस मूवी को रिलीज करने की एक डेट अनाउंस कर दी है, जो है 14 अप्रैल 2022 को। इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले हैं प्रशांत नील और इसको प्रोड्यूस करने वाले हैं विजय किरंगदूर और कार्तिक गौड़ा। वैसे तो इस मूवी के कई पोस्टर्स और टीजर लॉन्च हो चुके हैं, जो कि सुपरस्टार यश के फैंस को बहुत ही ज्यादा पसंद आए हैं। KGF चैप्टर 2 बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस पे कोई नया रिकॉर्ड बनाती है या नहीं, ये पता चलेगा हमको फिल्म के रिलीज हो जाने के बाद में। तो फ्रेंड्स, ये थी साल 2021 और 2022 में रिलीज होने वाली टॉप 10 ब्लॉकबस्टर मूवीज की लिस्ट, जो साल 2021 और 22 में रिलीज होंगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो और मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बॉलीवुड की अपकमिंग मूवीज की अपडेट हम आपके लिए सबसे पहले लेकर आते हैं।